मुश्किलों को आसान कर दे, आपके वालदैन को तंदुरुस्ती अता फरमाए और लंबी जिंदगी अता फरमाए। जिन जिन बहनों और भाइयों के वालदैन नहीं है या इन दोनों में से कोई नहीं, बाबा उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आप लोग भी दुआ करके उनके हक में जरूर दुआ किया करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको ख्वाब में उनका दीदार नसीब फरमाए। इसी के साथ आज जो मैं आपके साथ अमल पेश करने जा रही हूँ, ये भी रूहानी कुवतों को उजागर करने वाला बहुत ही नायाब अमल है, पर इसका एक फायदा ये भी है कि अगर आपने किसी बात का पता लगवाना हो, जैसा कि मैंने इस्तखारों में भी आपको बहुत बुलंद इस्तखारों में आपको बताए थे, और आने वाली वीडियोज में 20 से भी ज्यादा आला किस्म के इस्तखारे आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो मैंने जो आपको एक इस्तखारा वैसे बताया था कि जादू अगर आपने पता करना है किसने किया है, तो वो भी बहुत नायाब था। तो ये आज मैं आपको एक मुराकबा भी बताऊंगी, और जो है रूहानी कुवतों को जो उजागर करने वाला तरीका भी आपको बताऊंगी कि कैसे हम रूहानी कुवतों को अपने अंदर इकट्ठा कर सकते हैं, एक यकजफ्ता जो उनसे ताकत होती है वो हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी आपने पढ़ना है, और दरमियान में आपने जो मैं आपको अमल बताऊंगी वो पढ़ना है 5324 मरतबा आप उसकी तकरार करेंगे, यानी कि आपने सिर्फ उसको 5324 मरतबा सिर्फ 10 दिन तक आपने पढ़ना है। ये एक तरह की ज़कात होगी जो आप अदा करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप इसकी ज़कात अदा करेंगे, तो जो भी आप किसी चीज के बारे में पूछना चाहेंगे या आप उसके बारे में सोचेंगे, और जितनी मैंने आपको तादाद बताई है, सोते सोते अपनी तादाद मुकम्मल करके जब आप सोओगे, तो वही हाल वही चीजें आपके सामने आएंगी जैसा कि आपने सोचा था और आप उसका पता करना चाहते थे। खासकर बहुत ज्यादा नायाब है, जैसे कोई चला जाता है, कोई छोड़ जाता है, कोई भाग जाता है, किसी की चोरी हो जाती है, या फिर ऐसा कि अगर आपने अपनी बेटी वगैरह की या किसी की शादी वगैरह भी करनी है, कि बहुत नायाब जो है एक वजीफा मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। लेकिन ये मराकबा मतलब मराकबा भी है, रूहानी कुवतों को बुलंद करने वाला भी है। ठीक है, और बराए तशफ दर ख्वाब है, यानी कि ये रूहानी कुवतों को यह मुकम्मल आपके सामने जाहिर करने वाला, पर ये दर ख्वाब है कि ख्वाब के जरिए आपको ये तमाम अलहाम होते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, सिर्फ 5324 मरतबा पढ़ेंगे, या खबीर या कुदूसू या अल्लाह, या खबीर या कुदूसू या अल्लाह। ठीक है, ये आपने सिर्फ पढ़ते पढ़ते सोचे, पहले आप इसकी 10 दिन ज़कात अदा करेंगे। ठीक है, लफ्ज़ों की, उसके बाद ख्वाब में मतलब कि जब आप मुकम्मल तस्बीह लेके आप बैठ जाएगा सोने से पहले, आप उतनी ही तादाद जितनी आपको बताई गई है, आप जब ज़कात अदा कर लोगे तो उतनी तादाद में आप पढ़कर, और उस जिस चीज के बारे में आप मालूम करना चाहते हो, और वो या उस चीज के बारे में आप मतलब कि सोचते हुए सो जाओ। ठीक है, तो वही चीज आप दिन सा है जो जिस चीज के बारे में आप पूछना चाहते हो वो आपके सामने आईने की तरह आ जाएगी। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मेरी एक बहन है, उनके बेटे, उनके चैनल का नाम है मिराजुल मुनीर है मेरे ख्याल में, तो उनके लिए खास कर ये मैंने वीडियो बनाई, वो बहुत परेशान थी। नंबर आपका नंबर जो है ना हम ले सकते हैं ना हम नंबर दे सकते हैं, ये बात आपके साथ आज वाजिया कर दूं कि हमने जब मैंने जब चैनल बनाया था तो इस बात पर मुकम्मल तफसीलन बात हुई थी वाले साहब से कि हम जो इस तरह है ये चैनल के थ्रू कोई हमारे पास आएगा, हम उनसे ना हम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और ना हम उनको नंबर दे सकते हैं। ये अलाउ नहीं है मदरसे में, क्योंकि हम खवातीन हैं। अगर मैंने नंबर लाइव दे भी दिया तो बहुत से लोग जो है इस तरह, ये बात अच्छी नहीं है। ठीक है, लाजिम नहीं है कि हमारे अपने मुल्क के लिए मेरा नंबर बहुत बाहर तक जा सकता है, फिर ये इस चीज को मुनासिब नहीं लिया जाएगा। ठीक है, इस चीज से, इस वजह से हमने नंबर आप लोगों को नहीं दिया। ईमेल दी है, डिस्क्रिप्शन में ईमेल है, जीमेल है, आप उस पर रब्ता करें, आपको मुकम्मल तफसील आपके साथ प्रोवाइड की जाएगी, आप करके देखें। ठीक है, इंशाल्लाह आपको जल्द जवाब मिलेगा। इसी के साथ
जैसे दीजिएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और कोई गलती कोई कोताही हो जाए तो उसके लिए माजरत, क्योंकि माफी मांगने वाला ना छोटा होता है ना ही बड़ा होता है, ठीक है ना। मैं कहती हूँ बस माफी मांगने वाला सबसे बुलंद होता है, ठीक है। तो आप भी अगर किसी से कोई गलती हो जाए उसको फौरन माफ कर दिया करें। ये जो भी पहल करता है पता है उसके तमाम गुनाह झड़ जाते हैं। अगर आपके कोई अजीज कारीब नाराज है तो फौरन उनसे माफी मांग ले, क्योंकि माफी मांगने का सबसे बड़ा एक फायदा और सवाब ये है कि उसके तमाम गुनाह अल्लाह का मतलब के खत्म कर देते हैं, सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ कर देते हैं। इससे बड़ी और क्या बात होगी, ठीक है। इजाजत दे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दुआ में याद रखिएगा और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे जीमेल डिस्क्रिप्शन में है तो वहां से आप लेकर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इजाजत दे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।